नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि 26/11 मुंबई हमले से भारत ने क्या सीखा। एक ऐसा हादसा जिसका सिलसिला मौत से भी खत्म नहीं होता। मौत के बाद जो शुरू होता है उस गम का नाम 26/11 है। जिंदगी जहां से एक नए रास्ते पर चलती है उस मोड़ का नाम 26/11 है। आदमी को आदमी होने पर अगर शर्म आती है उस मंजिल का नाम 26/11 है, क्योंकि हिंदुस्तान में इससे पहले इस तरह का हमला कभी नहीं देखा गया था। 26 नवंबर 2008 को 10 आतंकियों के आतंक से न सिर्फ मुंबई कांपी बल्कि देश भी थर्रा उठा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ताज होटल से लेकर होटल ट्राइडेंट और होटल ओबेरॉय तक का वो सच, जिसे जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। कैसे आतंकी पाकिस्तान से मुंबई पहुंचे, कैसे 16 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए, मुंबई पर हमले की साजिश कहां रची गई, कैसे हमले का एक एक प्लान तैयार किया गया, खौफ का ऐसा सच जो मुंबई के जहन में ताउम्र रहेगा। साल क्या दशक भी गुजर जाएं तो 26/11 के आतंक की तस्वीर मुंबई को डराती रहेगी। 10 आतंकियों ने मुंबई को खून से रंग डाला, पूरा देश थर्रा उठा। पूरे 60 घंटे तक मुंबई में सिर्फ गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। होटल ताज से लेकर होटल ट्राइडेंट तक, नरीमन हाउस से लेकर मुंबई की सड़कों तक, फिर आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए देश के वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। मुंबई पुलिस से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स और NSG कमांडो ने आतंक के खिलाफ अपने अपने हथियारों के मुंह खोल दिए। 9 आतंकी मार दिए गए और सबसे खूंखार आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। आज हम मुंबई के आतंक का वो सच बताने जा रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं सुना। कराची के रास्ते मुंबई आए थे आतंकी। इस हमले की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से नाव के रास्ते ये आतंकी मुंबई में घुसे। ये भारतीय नाव से मुंबई पहुंचे थे। जिस भारतीय नाव पर ये आतंकी सवार थे उस पर इन्होंने कब्जा किया था और उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था। रात के तकरीबन 8 बजे ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। वहां से वे 4 समूहों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख किया। मछुआरों को इनके आतंकी होने का हुआ था शक। बताया जाता है कि इन लोगों को मछली बाजार में उतरते देख वहां के कुछ मछुआरों को शक भी हुआ था और उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी थी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और न ही आगे बड़े अधिकारियों या खुफिया बलों को जानकारी दी। रात 9:10 CST स्टेशन। रात 9:10 का समय था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर धीरे धीरे भीड़ छटने लगी थी कि तभी सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर बिल्डिंग में गोली की आवाजों के बीच चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और चीत्कार की आवाजें आने लगी। हर तरफ लोग भाग रहे थे, हर कोई अपनी जान बचाना चाह रहा था। आतंकियों की बंदूकों से निकली गोली ने करीब 52 लोगों की जान ले ली थी। वो 26 नवंबर की काली रात थी। आतंकी अजमल कसाब को मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। रात 9:38 ताज होटल, आतंकी गिरफ्त में ताज का हिस्सा। आतंकियों ने होटल ताज को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया था। अंदर लोग बंधक बने हुए थे जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। आतंक जारी था। इसी दौरान होटल में रैपिड एक्शन फोर्स NSG कमांडो ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। पूरे 60 घंटों तक आतंकवादियों और जवानों के बीच जंग चलती रही। इस दौरान आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। आखिरकार देश के जाबाजों की गोलियों ने आतंकियों को मौत के घाट उतार डाला। रात 10 बजे होटल ओबेरॉय में आतंक। कारोबारियों के लिए लोकप्रिय ओबेरॉय होटल में हमलावर ढेरों गोले बारूद के साथ घुसे थे। यहाँ 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हमलावरों ने यहाँ कई लोगों को बंधक भी बना लिया। NSG के जवानों ने दोनों हमलावरों को मार दिया, लेकिन तब तक 32 लोगों की जान जा चुकी थी। रात 10:25 नरीमन हाउस। यहूदी पर्यटकों के स्थल नरीमन हाउस में भी 2 आतंकवादियों ने जमकर तांडव मचाया। यहां उन्होंने कई लोगों को बंधक बना लिया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकवादी मारे गए, लेकिन बंधक बनाए गए लोगों को भी नहीं बचाया जा सका। काम अस्पताल और लियोपोल्ड कैफे में गोलीबारी। अपने विदेशी ग्राहकों के लिए मशहूर लियोपोल्ड कैफे में 2 हमलावरों ने जमकर गोलियां चलाई।
इस गोलीबारी में 10 लोग मारे गए थे। हालांकि दोनों हमलावरों को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। काम अस्पताल में भी आतंकियों ने जमकर गोलीबारी की। यहां 4 हमलावरों ने पुलिस के एक वैन को अगवा कर लिया। आतंकवादियों से एनकाउंटर के दौरान एटीएस चीफ हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अधिकारी अशोक कामटे और विजय सालस्कर शहीद हो गए। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकियों को मिली मदद। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि हमलावरों ने अभी कुछ बंधकों को कब्जे में रखा हुआ है, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मेरिन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो से घिरे रहे। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खासी मदद मिली, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर पता चल रहा था। 3 दिनों की जंग के बाद सुरक्षा बलों को सफलता। हमले के बाद रैपिड एक्शन फोर्स, मेरिन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो ने मोर्चा संभाला, लेकिन आतंकियों का खात्मा करने में सुरक्षा बलों को 3 दिन का समय लग गया। इस दौरान आतंकियों ने कई जगह धमाके किए, आग लगाई और फायरिंग कर बंधकों को मौत के घाट उतार दिया। करीब 60 घंटे की लड़ाई के बाद सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया, जबकि अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा। कसाब कलावा और हिंदू आतंकवाद। हमारे देश में अलग अलग दौर में राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए आतंकवाद को धर्म से जोड़ा है और वोटों की फसल काटी है। इसी का नतीजा है कि हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों की रचना हुई और तमाम बुद्धिजीवी इन शब्दों का इस्तेमाल अपनी अपनी श्रद्धा और राजनीतिक एजेंडे के तहत करते रहे। राकेश मारिया के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने 26/11 हमले को हिंदू आतंकवाद का रूप देने की साजिश रची थी। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने ISI का साथ दिया था। इसके लिए ISI ने अजमल कसाब समेत सभी 10 हमलावरों को नकली आई कार्ड के साथ उन्हें हिंदू बनाकर मुंबई भेजा था। पुलिस को कसाब के पास से बेंगलुरु के रहने वाले किसी समीर चौधरी का फर्जी आई कार्ड भी मिला था। हिंदू दिखने के लिए कसाब ने अपने दाएं हाथ की कलाई में कलावा भी बांध रखा था। पूर्व IPS ऑफिसर ने बताया, गिरफ्तारी के तुरंत बाद हम कसाब को मुर्दा घर लेकर गए थे, जहां हमले में मारे गए 160 लोगों की लाशें रखी थी। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के मुकदमे की अदालत में पैरवी करने वाले विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम का कहना है कि मुंबई हमले के 10 में से 9 आतंकी जो मारे गए थे, उनके पास से जो आई कार्ड मिले थे, उन पर हिंदू नाम लिखे थे। निकम ने कहा कि ये बात सच है कि अजमल कसाब के पास जो पहचान पत्र मिला था, उस पर नाम समीर चौधरी हैदराबाद लिखा था, वो फर्जी थे। इसकी जाँच की गई थी और अदालत में कॉलेज के प्रिंसिपल की गवाही भी हुई थी। मारिया के मुताबिक लश्कर ए तैयबा आतंकी कसाब को एक हिंदू आतंकी के रूप में पेश करना चाहता था। मारिया ने उसे गिरफ्तार करने के बाद जबरन भारत माता की जय के नारे लगवाए थे। 4 साल बाद कसाब को फांसी। सुरक्षा बलों ने अजमल आमिर कसाब को 27 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जिसने पुलिस हिरासत में गुनाह कबूल किया। इसके बाद आर्थर रोड जेल को कसाब का ट्रायल के लिए चुना गया और उज्ज्वल निकम सरकारी वकील बनाए गए, जबकि विशेष अदालत ने अंजलि वाघमारे को कसाब का वकील नियुक्त किया। कसाब को 312 मामलों में आरोपी बनाया गया। मई 2010 में कोर्ट ने कसाब को दोषी ठहराया और विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई। 26/11 से जुड़ी अनसुनी बातें। लश्कर ए तैयबा का आतंकी डेविड कॉलमैन हेडली ने मुंबई हाई कोर्ट को बताया था कि 26/11 जैसे हमले करने की 2 कोशिशें पहले भी हुई थी। ये कोशिशें सितंबर अक्टूबर 2008 के दौरान हुई थी, लेकिन ये दोनों कोशिशें नाकाम हो गई। 26/11 मुंबई हमले के लिए पूरे 24 आतंकियों को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में ट्रेन किया गया था। इन 24 में से 10 को आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए चुना गया था। सभी आतंकियों को अच्छे से कॉम्बैट ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग दी गई थी। सभी का ब्रेन वॉश अच्छे से किया गया था, जिससे आगे जाकर इनका इरादा न बदल जाए। आतंकियों ने जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था, उनमें से कुछ भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर खरीदे गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक रिपोर्ट बताती है कि उनमें से 2-3 सिम कार्ड न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी इलाके में खरीदे गए थे। जागते रहने और एक्टिव रहने के लिए इन आतंकियों ने मुंबई पहुंचने से पहले कोकेन, LSD, स्टेराइड जैसे ड्रग्स कंज्यूम किए थे। अजमल कसाब जो इकलौता आतंकी था जिसे जिंदा पकड़ा गया था, उसके ऊपर कई सारे एक्ट लगे।
इनमें आर्म्स एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, कस्टम एक्ट और साथ में रेलवे एक्ट की कई धाराएं लगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस पर बिना प्रॉपर टिकट के प्लेटफॉर्म पर जाने का भी आरोप लगा था। नरीमन हाउस पर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान एनएसजी कमांडो को छत पर रस्सी के माध्यम से उतरना था, लेकिन पायलट की गलती की वजह से एनएसजी कमांडो दूसरी बिल्डिंग की छत पर उतर गए। जब ताजमहल होटल पर हमला हुआ तो वहां के स्टाफ ने धैर्य बनाए रखा और बाहर नहीं जाने का निर्णय लिया। अगर वे चाहते तो बाहर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि जितने भी मुसाफिर या होटल में रह रहे लोग हैं उनकी मदद की जाए। ताज होटल आतंकी हमले में काफी तहस नहस हो गया था, लेकिन टाटा फाउंडेशन ने होटल में काम कर रहे कर्मचारियों को रिनोवेशन के दौरान भी पगार दी। कसाब जब मजिस्ट्रेट के सामने अपना गुनाह कबूल कर रहा था तो उसने बताया कि दो भारतीयों ने उन्हें इलाके का नक्शा मुहैया कराया था। आज के लिए इतना ही, अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।